आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम छोटे भरवा बैंगन बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। ये हमने 250 ग्राम छोटे बैंगन लिए हैं और इनको हमने धो लिया है। और इसमें किन किन मसाले की जरूरत पड़ती है वो हम बताते हैं। ये 3 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 3/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 4 बड़ी चम्मच तेल। ये सौंफ जो हमने लिए है ये हमने थोड़ी दरदरी करके लिया, आप देखिए थोड़ी हमने दरदरी कर ली है। नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं। अब हम एक बाउल लेते हैं और इसके अंदर हम ये धनिया पाउडर, ये सौंफ, नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, इन सब मसालों को एक साथ मिला लेते हैं। तेल डालते हैं इसके अंदर हम, और तेल डालने के बाद इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। हमें मसाला ऐसा तैयार करना है, आप देखिए थोड़ा सा सूखा सा ऐसे ही। यदि आपका मसाला कुछ कम लगे तो आप 1-2 चम्मच धनिया और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कम भरते हैं कुछ लोग ज़्यादा भरते हैं। अब हम बैंगन काटते हैं। हमने बैंगन पहले इसलिए नहीं काटे थे क्योंकि बैंगन काले पड़ जाते हैं। ये देखिए बैंगन को मैं आप इस तरह से कट कर लगाएंगे। ये हमने कट लगा दिया है। ऐसे ही हम सभी बैंगनों में कट लगा देंगे। हमने सभी बैंगनों में कट लगा लिया है और अब हम मसाला भरते हैं। ये इसके अंदर ऐसे करके आप मसाला भर दें इसके अंदर। मसाला अच्छे से भरें अंदर तक, जिससे कि अंदर तक पहुंच जाए और पूरे बैंगन में मसाले का टेस्ट आ जाए। इसी तरह से हम सारे बैंगनों में मसाला भर लेंगे। सभी बैंगनों में मसाला अच्छे से भर लिया है। तेज गैस पर कढ़ाई रख देते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो बचा हुआ तेल था ये डाल देते हैं और इसको पूरी तरह से गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब गैस हम मंदी कर देते हैं। अब हम भरे हुए बैंगन एक एक करके इसके अंदर ये इस तरह से ऐड कर देंगे। सारे बैंगन इसी तरह से ऐड करने हैं आपको। गैस मंदी पे आप इसे 2 मिनट के लिए ढक कर रख दें। ये बनाने बहुत आसान है, आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। 2 मिनट हो गए हैं, अब इनको हम उलट पुलट कर देते हैं। इस तरह से आप उलट पुलट कर लेंगे। इसे ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। इस तरह से सभी बैंगनों को उलट पुलट करके हम 2 मिनट के लिए फिर ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, फिर देखते हैं हम इनको। अब इनको फिर अलट पलट कर देते हैं, जिसे ये चारों तरफ से पूरी अच्छी तरह से पक जाएं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। 2 मिनट के लिए फिर हम ढक देते हैं, गैस अपनी मंदी ही रखें। अब हम इनको फिर उगाड़ के देखते हैं कि हमारे बैंगन तैयार हैं या नहीं। अब हम देख रहे हैं हमारे बैंगन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इनको हम पलट लेते हैं। इनको हम बाउल में निकाल लेते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना। आप अपने घर में भी बनाना तो ये आसानी से बन जाते हैं। और यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में लिखना कि आपके भरवा बैंगन कैसे बने। खाना भी खिलाना भी, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।